डॉक्टर्स के मुताबिक ये इनके आखिरी सांस चल रहे थे, लेकिन सूरह रहमान की सुबह शाम की तलावत ने इनको आज वेंटिलेटर से हटाकर दोबारा नॉर्मल कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। मैं सर्विसेज हॉस्पिटल के मेडिकल आईसीयू में मौजूद हूँ, जहाँ पर वो तमाम बीमारियाँ, चाहे वो फेफड़ों से रिलेटेड हों, गुर्दों से रिलेटेड हों, किसी ने जहर खा लिया हो, किसी की प्रेगनेंसी के बाद के खतरात हों, वो तमाम की तमाम बीमारियों का इलाज अल्लाह के कलाम सूरह रहमान से किया जाता है। ये अपनी तर्ज का एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया, जिसने मेडिकल साइंस को झिंझोड़ कर रख दिया। यहाँ पर सैकड़ों पेशेंट्स आते हैं, उनकी सेहत याबी की रेशो 80% से 90% है और ये तमाम तर मामले का सेहरा डॉक्टर जावेद साहब के सर जाता है। यहाँ पर एक एम्पलीफायर में सूरह रहमान कारी बासित की आवाज में लगाई जाती है, जबकि वो तमाम पेशेंट्स जो वेंटिलेटर्स पर होते हैं वो इतने कॉन्शियस नहीं होते कि आवाजों को सुन सकें, तो उनको हेडफोन्स या हैंड फ्री उनके कानों में लगा दी जाती है। बेशक कुरान शिफा है, सूरह रहमान शिफा है, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। उन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट सूरह रहमान रेमेडी की सूरत में पाकिस्तानियों को दिया। डॉक्टर साहब, अक्सर लोग आपको पागल भी कहते हैं, पागल डॉक्टर कहा जाता है, ये आपने क्यों मामला सारा स्टार्ट किया? पागल तो मुझे जिनकी असल में ये रिसर्च है या जिनकी ये दुआ है, बाबा जी मखदूम सैयद सफदर अली बुखारी, उन्होंने मुझे पहले दिन कहा था पागल डॉक्टर आ गया, और कभी कभी कहते होते थे पागल मेरी बात सुन, तो उस वजह से कहते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे बाबा जी ने कहा हुआ है तो मेरे लिए एजाज है। इस आईसीयू में किसी सैयदजादे की दुआ है? बिल्कुल, बहुत से सैयदजादों की दुआ है, यहाँ हमारे पास सैयदजादे रह के भी गए हैं, जितने लोग काम कर रहे हैं ये सब चलते फिरती दुआ है। ऐसा देखा गया है फकीरों की खानकाहों पर यूं होता है कि सूरह रहमान होगी, अल्लाह का कलाम होगा और वो ठीक हो जाएंगे, तो ये डॉक्टरों में भी मुझे कुछ यहाँ पे फुकरा नजर आ रहे हैं आपकी टीम की सूरत में, जो सूरह रहमान सुबह शाम लगाते हैं, यहाँ रिकवरी रेशो क्या है? जब तक मैं यहाँ से गया हूँ तो वीट पिल का 81% से ज्यादा सक्सेस रेट था, टेटनस का 90 से ज्यादा, आम लफ्जों में ज्यादा टेटनस थी जो बीमारी है उसका 90% ज्यादा सक्सेस रेट था, और ये सारा रिकॉर्ड हॉस्पिटल का यहाँ पड़ा है, ये किसी भी दुनिया के आईसीयू से यहाँ का रिकवरी रेट बेहतर है। यानी कि सर्विसेज हॉस्पिटल का मेडिकल आईसीयू पूरी दुनिया के आईसीयू के रिकवरी रेशो से सबसे ज्यादा है, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक ही है, सूरह रहमान। सूरह रहमान और कसीदा बुर्दा शरीफ यहाँ सुबह दोपहर शाम लगता है, कसीदा बुर्दा शरीफ भी लगाते हैं, बुर्दा शरीफ भी लगता है, फालिज के मरीजों को, बेहोश मरीजों को वो सुनाया जाता है।